दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ देखिए पिछले 3 माह से लॉकडाउन की वजह से ऐसे बहुत सारे हमारे कामगार जो नियमित रूप से काम पर जाते थे उसके बाद में उनको रोजी रोटी मिलती थी लेकिन वो काम पर नहीं जाने की वजह से परेशान हो गए उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं बचा ऐसी स्थिति में धीरे धीरे उनके घरों में जमा खाद्य सामग्री भी ख़त्म होने लगी ऐसी स्थिति में माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश भर में लोगों को पर यूनिट 5 किलो गेहूं अथवा चावल देने की बात कही और उसी के क्रम में राज्य सरकारों को 3 माह तक गेहूं और चावल दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जब कोई भी केंद्र से मांग करते हैं तो उस मांग का पत्र अखबारों में प्रकाशित करते हैं लेकिन जब केंद्र सरकार वो सुविधा दे देती है तो फिर मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को धन्यवाद नहीं देते हैं बल्कि अपने नाम से उन चीज़ों को मीडिया के माध्यम से खुद श्रेय लेने का कोशिश करते हैं ये विज्ञापन उसी श्रेणी में उठाया गया कदम है मुख्यमंत्री महोदय केंद्र सरकार की दी जाने वाली सहायता को केंद्र सरकार के नाम से ना बांट करके खुद के नाम से बांटने की कोशिश करते हैं लेकिन आजकल आईटी का ज़माना है इसलिए सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी आती हैं और उसी के माध्यम से हम तक भी पहुंचती हैं इस गेहूं का आवंटन जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को किया उस समय एक नीति निर्धारण राज्य सरकार को करना था कि किस तरह से ये गेहूं वितरण किया जाएगा लेकिन मुझे बताते हुए बहुत ही दुख है बहुत ही खेद है कि राज्य सरकार ने पहले तो 15 मई को एक आदेश जारी किया और 15 मई को जारी करने के बाद में उसकी पालना उन्होंने जिला हेडक्वार्टर पर करने से रोक लगा दी फिर उसके क्रम में एक दूसरा ऑर्डर उन्होंने 21 मई को जारी किया 21 मई को ऑर्डर जारी करने के बाद में 24 तारीख से यानी कि शनिवार से ई मित्रों पर पंजीकरण प्रारंभ हुआ ई मित्रों पर जब ये पंजीकरण प्रारंभ हुआ तो सभी ई मित्र संचालक इस पंजीकरण को करने लगे लेकिन दुर्भाग्य कहूँगी राज्य सरकार का और राज्य सरकार के उन मातहत कर्मचारियों का कि ऐसे नेतृत्व वाली सरकार बैठी है जिसको कोई काम ठीक प्रकार से करना नहीं आता और उसी के कारण से शनिवार को ये सभी ई मित्र संचालक जो विशेष श्रेणी के लोगों का पंजीकरण कर रहे थे वो अचानक से बंद कर दिया गया जब ये शिकायत मेरे द्वारा आईटी डिपार्टमेंट को की गई तो उसके बाद में आईटी डिपार्टमेंट हरकत में आया और उन्होंने पूरे संडे दोपहर 2 बजे से पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया संडे 2 बजे से वो प्रक्रिया प्रारंभ हुई और मंडे को शाम तक वो प्रक्रिया चली और शाम के पश्चात पूरे प्रदेश भर में ऐसे 1 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया मुझे ये कहते हुए बहुत दुख है कि जिस विभाग के स्वयं मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री हों उस विभाग की ऐसी हालत मैंने कभी पहले नहीं देखी आईटी डिपार्टमेंट ने सोमवार को ऐसे पंजीकृत लगभग 8,000 लोगों का पंजीकरण फेल बता दिया जो ई मित्रों पर किया गया था 1 लाख में से 8,000 लोगों का पंजीकरण फेल हुआ ये उदाहरण है आप देखना चाहें तो इसको बहुत बारीकी से देख सकते हैं जब ये सूचना मुझे मिली तो मैंने पूरे सरकारी नुमाइंदों से बात करने की कोशिश करी लेकिन सरकारी नुमाइंदों ने बात करने से परहेज किया और आज पुनः मैंने प्रदेश के आला अफसरों को जब इस बात से अवगत कराया तो ध्यान में आया कि कोई तकनीकी खराबी के कारण से ऐसा हुआ है मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि ऐसा विभाग जिसके मुखिया स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री हों
उस डिपार्टमेंट में इतनी गड़बड़ियाँ, उन बेकसूर ई मित्र संचालकों का क्या दोष है जिन्होंने आम जनता की को राहत देने के लिए उनका पंजीकरण प्रारंभ किया और ऐसे 8,000 लोग उस पंजीकरण कराने के बाद में उनका पंजीकरण फेल बता दिया डिपार्टमेंट ने। उन 8,000 लोगों को खाद्यान्न कैसे प्राप्त होगा? एक दूसरा उदाहरण मानिए, हमारे मुख्यमंत्री की वाहवाही की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। 2 अक्टूबर 2019 माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी जयंती के अवसर पर घोषणा की थी कि हम तंबाकू उत्पादों पर बैन लगाएंगे और उसका ये एक स्पष्ट उदाहरण है कि प्रदेश में तंबाकू उत्पादन और तंबाकू पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। और साथ ही ये वाहवाही भी ली गई कि अब महाराष्ट्र और बिहार के बाद में राजस्थान देश का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां पर तंबाकू उत्पादन नहीं बेचे जाएंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ जब वो अच्छी घोषणाएं करते हैं तो बड़े बड़े अखबारों में दिशाया करते हैं उन खबरों को और विज्ञापन जारी करते हैं। आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा विज्ञापनों पर दिया जाता है, लेकिन आज फिर वो कह रहे हैं कि तंबाकू उत्पादों पर बिक्री जो है प्रारंभ कर दी गई है। तो भैया, गांधी जयंती के अवसर पर जो घोषणा करी थी उस घोषणा का क्या हुआ, उन विज्ञापनों का क्या हुआ जो आपने विज्ञापन बड़े बड़े अखबारों में शाया किए थे, और आज आप कह रहे हैं कि तंबाकू की बिक्री प्रारंभ हो गई है, तो आप प्रदेश की जनता को क्या बेवकूफ़ समझते हैं क्या? और वाहवाही के लिए आप फिर झूठी अखबारों में विज्ञापन और खबरें देते हैं क्या? और इसी प्रकार की एक झूठी खबर जिसका मैं पुनः उल्लेख करना चाहूँगी कि इसमें सिर्फ राज्य सरकार का हवाला दिया गया है, मुख्यमंत्री जी ने अपना फोटो छापा है, जबकि ये संपूर्ण खाद्यान्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया जा रहा है और इसमें उस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ऐसे झूठे मुख्यमंत्री, ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले मुख्यमंत्री की चालों में अब जनता आने वाली नहीं है और जनता बहुत समझदार हो चुकी है और एक एक बात का हिसाब ये जनता उनसे आने वाले समय में करने वाली है। एक तरफ तो आप जनता को झूठे वादे करते हैं, दूसरी तरफ आप केंद्र से आने वाली जो सहायता है उसको अपने नाम से बांटते हैं और अपने नाम से बांटने के उपरांत भी उसका ठीक प्रकार से उस प्रक्रिया का संधारण नहीं कर पाते, संचालन नहीं कर पाते, इसलिए राजस्थान की आम जनता इन सुविधाओं को लेने से वंचित है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रश्न है कि ऐसे 8,000 लोग जिन्होंने पंजीकरण करा दिया था उनका अब कैसे उनको खाद्यान्न मिलेगा, उनके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सरकार की कार्यशैली पर एक सवालिया निशान है जिसका जनता आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में इस कांग्रेस को सबक सिखाएगी। आप पानी और बिजली के बिल माफ़ करने की बात प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में करती हैं, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री पानी और बिजली का बिल जमा नहीं कराने पर 2% पेनल्टी की बात करता है। ये कहाँ का न्याय है और ये कैसी शासन व्यवस्था है? इस शासन व्यवस्था से जनता बहुत त्राहिमाम और त्रस्त है और उसकी संपूर्ण प्रदेश में बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है।